बलजीत साहब साडे नाल जुड़ चुके ने आईटी सेल दे इंचार्ज किसान मोर्चे तो। बलजीत साहब वेलकम करदे हां। बलजीत साहब प्रताप वाजपेयी नाल की पेचा पिया? पेचा ते मेरी, मैं बहुत छोटा है उम्र दे विच वी, ओ बड़े सीनियर मैं कहना लीडर ने पंजाब दे, अपने आप सीएम दे वजो इत्थे हल्के दे विच प्रेजेंट करदे कि मैं सीएम हां, पर जेडी उन्हां दी मानसिकता है जां जेडी उन्हां दी कह लिए के सोच है, वह जेडी जिन्नी के मालक हैगे ने, मैं वह शब्द नहीं यूज करना चाहुंदा, वह कल देखनी। टीम दे विच मेरा छोटा जिहा पिंड है, दो ही रस्ते है पिंड दे, ते मैं पकेरिया नूं जा रहा सी, घरों निकलिया ते मैं ते मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरी आप गड्डी रोक के अगे बांह करके धमकियां दित्तियां, कई कुछ बोले, मैं तो गल भी करनी चाहिए, मैं गल कीती भी, चीज का कोई जवाब नहीं, बस उन्होंने अपना ही जो कहना सीगा धमकियां दे के। किस तरह की धमकी दीती बलजीत जी? धमकियां जी मेरे को आडियो भी उस चीज की पई है, बाद विच माइक ते बोले आ भी तुहानू मैं जेलां च सुटूंगा, अच्छा तुहाडियां जुलूस कड दू, ता मैं फाइनेंशियल। जी जी बलजीत जी थोड़ा रेंज च आके बोले, आवाज कट रही है। हर तरीके की धमकी मतलब जिन्या वो बोल सकता सीगा, उन्हें कोई दायरा ही नहीं छड़िया जिहड़ियां उन्हें नई चीजा बोलिया जी। जी जी बहुत ज्यादा अग्रेशन दे विच आके, जिदा बंदा बुखलाहट जिहदे विच आया हुंदा ना कि अपना अपना कद काट भुल के हरकत करनिया, बहुत मतलब जिदा डरा धमका सकता सी उन्ना डराया धमकाया जी उन्हें। फिर इस गल का जवाब सिद्धू साहब नूं देना चाहिए, चन्नी साहब नूं भी देना चाहिए कि तुहाडे मंत्री की कुछ करते ने। मेरी यूनियन वाले सवेर दे मेनू सारिया यूनियन दे आगुआ दे फोन आ रहे ने, फिर मेरे को दो आगू यूनियन वाले सवेर दे आ भी चुके ने, अज असी कोई ना कोई एदा प्लानिंग करके असी एदा जां एदा एदा घराओ दा जां एदे घरां घर दे मूहरे धरना जिदा भी करके इलेक्शन कमीशन नूं कंप्लेंट, सारिया चीजा जेड़िया अज असी कर रहे हां जी। मतलब ये थोड़ा कि यार वोट का अधिकार हर किसी नूं आ, कोई जिथे मर्जी वोट पा सकदा है, कोई किसी नूं दबा दे नाल वोट ते नहीं ना पा सकदा। जी जी जे मेरा मन करूंगा मैं किसी नूं वोट पाऊंगा, जे मेरा मन ना करूंगा मैं नहीं पाऊंगा। घा के वोटा किदां लै लोगे जी? बलजीत जी किसानां दी भी पार्टी बन चुकी है, उस करके तां नहीं सब कुछ हो रहा? इही लगदी है जी किसानां दी पार्टी करके उन्हां ने कीता जो भी कीता। डरा लिए धमका लिए इन्हां नूं धमकियां दे लिए, हो सकदा क्योंकि ये लीडरां दी ना आदत आदत बन गई हुई है कि इंस्टेड किसी दे अगे रिक्वेस्ट करके किसी नूं जिद्दां एक सही मैनर्स दे विच किसी को वोटां मंगणियां, इन्हां दी आदत बन गई होगी है। जिहड़े रवायती लीडर ने रवायती पार्टियां ने इन्हां दी आदत यह बन गई है कि तुसीं डराओ धमकाओ धौण ते गोडा रखो ते इन्हां नूं कुचलो ते फिर इन्हां नूं जुत्ती दे जोर ते वोटां लो, पर इन्हां नूं इह नहीं पता भी समां बदल चुक्या। नहीं जिस तरह तुहानूं धमकी दित्ती तुसीं उस तों बाद की रिएक्ट कीता? तुसीं उन्हां नूं कहा नहीं भी चीज़ां सही नहीं हैगी, अस तां किसान मोर्चे तों ऐ सेवा ही करदे हां, मैं आईटी सैल देखदा। मैं उत्थे खलो के मैं इह गल कही, मैनूं कहिंदे तूं बदमाशी कर रहा इत्थे, मैं कहा जी मैं गड्डी च उतर के मैं कहा जी दसो जी किस चीज़ की बदमाशी कर रहे, कहिंदा तूं लोकां नूं डरा धमका रहा जिहड़ी मेरे इत्थे रैली च मेरे इत्थे प्रोग्राम दे विच जिहड़े आए ने। मैं कहा जी एक बंदा भी साबित कर दिओ, जे मैं किसे नूं मैं बुलाया तक भी आ, ड्राउन धमकाउण दी दूर दी गल आ, जे मैं किसे नूं बुलाया भी आ ते मैनूं एक बंदा भी साबित कर दिओ। नहीं कहिंदे साडे कोल वीडियो, मैं कहा दिखा दिओ जी वीडियो दिखा दिओ, फिर वीडियो भी नहीं निकली, है ही कुछ नहीं सी बिना गल तो। मैनूं कहिंदे तैनूं नहीं पता भी साडा प्रोग्राम सी इत्थे ते तूं इधर नूं तूं तेरी तेरी की जरूरत आ, तूं इधर गड्डी लै के आ जे। पिंड है मैं अपने पिंड दे विच अपने पिंड दे रस्ते तो की गल मैं लंघ भी नहीं सकदा। अच्छा लाज करू ताडिया मैं लत्ता छांगूंगा गोडिया तो थल्यो, मतलब आ शब्द यूज किया ताडिया मैं लत्ता छांगू। तुसी कोई वीडियो बनाया इस मुतालिक?
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ. ਅਮਰ ਜੀ, ਬਸ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ. ਅਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨੀ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉ ਲੋਕਾਂ ਦੇ. ਟਿਕਟ ਕੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ. ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ.